बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईबीए के तहत या एनटीएस के तहत या किसी और इदारे के तहत होते हैं। यहाँ पे तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है और उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 से 15 ग्रेड हो गया या पीएसटी जेईएसटी हो गया या एसएसटी हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर मुश्किल क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लॉग, यहाँ पे ये बेस 5 है, ये रेडिकल में है और ये 5 इजिकल टू वाई। तो इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन हमें साइड में दिए गए हैं 4, 2, 1 और 1/2, ठीक है। तो लेट लॉग यहाँ पे ये इजिकल टू ये वाई। अच्छा, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये मैंने वाई लिख दिया। तो लेट लेके वाई करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना होता है, लॉगरिथम फार्म को तब्दील करके एक्सपोनेंशियल फार्म में करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ इनकी पोजीशन आपस में तब्दील हो जाती है, लॉग खत्म हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा और वाई इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा और वाई इजिकल टू ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये हमें पता है कि ये रूट जो होता है ये 1/2 के बराबर होता है। तो जब ये 1/2 के बराबर होते हैं तो इसका हम खत्म कर देंगे ये लॉग, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ये वाई पावर बेस का वैसा रहेगा इजिकल टू 5, ठीक। अब देखें ये बेस और ये बिल्कुल सेम है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे हम, क्योंकि दोनों का सेम है, इधर भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ नहीं होता तो ये 1 पावर यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये 1/2 y इजिकल टू यहाँ पे ये 1 हो गया। तो ये 2 डिवाइड के क्वेश्चन में जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y इजिकल टू ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हमारा आंसर देखें कहाँ पे, ये बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो आज हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।